दोस्तों, उत्तराखंड में यूं तो बहुत से राजा महाराजाओं का जन्म हुआ है। कुछ ने अपने बल व पराक्रम के बलबूते पर कईयों से लोहा मनवाया है, तो कई राजाओं के दरिया दिली किस्से भी हमने सुने ही हैं। परंतु आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जो कि गढ़वाल का नहीं था, परंतु फिर उसने गढ़वाल आकर एक अखंड राज्य की नींव रखी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराज कनकपाल की। अगर इतिहासकारों की माने तो कनकपाल का जन्म मालवा प्रांत में हुआ। वे मुख्य रूप से परमार जाति के थे। कनकपाल के राजा बनने पर एक कथा बहुत प्रचलित है। यह बात 9वीं शताब्दी की है, जब गढ़वाल 52 अलग अलग गढ़ों में विभाजित था। इन्हीं में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, जिसके राजा इस वक्त भानु प्रताप थे। भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्री ही थी। इसलिए वह अपनी पुत्री के लिए योग्य व पराक्रमी वर ढूंढ रहे थे, ताकि वह आगे चलकर उनके वंश को चला सके। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह कुमाऊं के राजकुमार राजपाल के साथ किया, परंतु दूसरी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने भगवान बद्रीनाथ जी के पास जाकर पुकार लगाई। तब एक दिन भगवान बद्रीनाथ ने राजा के सपने में आकर कहा कि हे राजा, कनकपाल नाम का एक राजकुमार बद्रीनाथ दर्शन के लिए आ रहा है, तुम उससे अपनी पुत्री का विवाह करा लो, वह तुम्हारे राज्य का वंश आगे बढ़ाएगा। तब राजा भानु प्रताप ने कनकपाल की खोज जारी कर दी। कनकपाल को फिर चांदपुर लाया गया, जहां वह विवाह के लिए राजी हो गए। इसके पश्चात भानु प्रताप ने राजपाट कनकपाल को सौंप दिया, वह स्वयं बद्रीनाथ चले गए, आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि कनकपाल का शासन 888 ईस्वी से 899 ईस्वी तक चला। अपने शासन काल में उन्होंने चांदपुर गढ़ को और शक्तिशाली बना दिया। दोस्तों, उस वक्त गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरी राजतंत्र का शासन था, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि कनकपाल जरूर ही एक स्वतंत्र राजा रहे होंगे, तभी तो उन्हें महाराज की उपाधि मिली है। दोस्तों, कनकपाल ने अपने शासनकाल में नौटी नाम के गांव में नौटियाल जाति को भी बसाया था, जो कि उन्हीं के साथ गढ़वाल आई। अब बात करेंगे कनकपाल के इतिहास पर विवाद। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कनकपाल 688 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए थे। कनकपाल गुर्जर प्रदेश से पर्वतीय क्षेत्रों के पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु आए थे। चांदपुर गढ़ की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात भानु प्रताप से हुई और तब उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा गया, परंतु आज तक इस कथा का कोई सटीक प्रमाण न मिलने पर दूसरी कथा को ही माना जाता है। यूं तो कई इतिहासकार अजय पाल को ही असली संस्थापक मानते हैं, परंतु कनकपाल गढ़वाल आए थे, इसका उल्लेख आदि बद्री में किया गया है। तो दोस्तों, यह था कनकपाल का इतिहास। कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस राजा के जीवन परिचय में चाहिए। धन्यवाद।